Hello everyone, good morning to all of you. And today we will study about a very important topic, that is dielectric. तो dielectric को करने से पहले आप ये समझ सकते हो कि जो capacitance का हमारा ये chapter चल रहा है, तो half portion उसका complete हो चुका है capacitance के रूप में. अब एक नया part start होने जा रहा है, that is dielectric. तो dielectric के थोड़ा बहुत आपने वैसे तो chemistry में ये topic पढ़ रखा है, that is dielectric. डायलैक्ट्रिक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ. देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल वी स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस. वन ऑफ देम इज विच हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. कब? जब उनके ऊपर कुछ पोटेंशियल अप्लाई की जाती है, यानी जब उस मटेरियल को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, तो फोर्स लगने पर वो स्टार्ट होते हैं मूव करना इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में. दैट मटेरियल इज नोन एज द कंडक्टर, इनको हम कंडक्टर बोलते हैं. सेकंड वन इज विच डू नॉट अलाउ द मोमेंट ऑफ चार्ज, जो अलाउ नहीं करते किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो करना. And that material is known as insulator. तो ये कॉमन सी डेफिनेशंस हैं जो कि तुम पहले भी पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में आ चुकी हैं सारी. और ये जो इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर ही कह सकते हो कि डायलैक्ट्रिक का काम करते हैं, कह सकते हो कि दैट इंसुलेटर इज नोन एज डायलैक्ट्रिक. ठीक है, तो आज डायलैक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे. बिल्कुल नया नाम है आपके लिए, पहले कभी भी नहीं पढ़ा गया, तो आज इसके बारे में थोड़ा हम डीपली जाएंगे, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो सबसे पहले कि जो डायलैक्ट्रिक होता है ना बच्चों, डायलैक्ट्रिक भी क्लासिफाइड होते हैं टू टाइप्स के द्वारा. वन इज दैट इज पोलर एंड सेकंड वन इज दैट इज नॉन पोलर. सिंपल. अब देखो, थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा चलिए पढ़ते हैं पोलर के बारे में. पोलर क्या होता है कि एनी मटेरियल विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोल. ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं कि ऐसा मटेरियल जो कि डाइपोल बनाने की प्रॉपर्टी रखता हो. और डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल. तो वही चीज इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई मटेरियल डाइपोल बनाने की प्रॉपर्टीज रखता है, ऐसे मटेरियल को किस तरीके का डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा. इसकी एक और डेफिनेशन आती है कि अगर सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स एंड सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, देन, या कह सकते हो सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्ज आर डू नॉट कॉन्साइड विद ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप ना करते हो. तो कुछ एक एग्जाम्पल्स की सहायता से हम देखते हैं कि पोलर डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं. पोलर डायलैक्ट्रिक्स में पहले नंबर पे हम लेते हैं इसमें HCl. तो HCl का क्या होता है? दैट इज Cl एंड दैट इज H. सेंटर Cl पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, और H पर पॉजिटिव. अब मैंने क्या बोला था? सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये, एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. तो यहां पे देखिए, साफ तौर पे यहां पे डाइपोल बन रहा है, और ऐसे मॉलिक्यूल जो डाइपोल बनाते हैं दैट नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, एक और एग्जांपल आता है, दैट इज H2O.
H2O, that is hydrogen positive charge, is hydrogen positive charge, and that is oxygen negative charge. मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव. अब जरा ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल चार्ज थे दोनों, तो उनका सेंटर लेना बिल्कुल ईजी था, लेकिन यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने बोला था सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, देन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक. सेम, दो पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच का सेंटर यहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में. इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हो ताकि आपके समझ में आ जाइए, थोड़ा सा बाहर की तरफ. इन दोनों पॉजिटिव के बीच का सेंटर ही आएगा. तो यहाँ देखिए, ये क्या है नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो ये कुछ डिग्री का एंगल भी बनाता है सेंटर के साथ, सेंटर के साथ ये डिग्री का कुछ एंगल भी बनाता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज का सेंटर और दोनों पॉजिटिव का सेंटर इधर, तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो ये भी क्या होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल माना जाता है. गुड, तो ये हो गए पोलर मॉलिक्यूल के बारे में. और पोलर मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो लाइक दिस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, फिलहाल ये रैंडमली ओरिएंट करते हैं. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप इनको बना सकते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट द पोलर डायलेक्ट्रिक्स. कॉमन बातें चल रही है, केमिस्ट्री में आ चुकी हैं आपके. अब बात आती है नॉन पोलर की. नॉन पोलर नाम से मालूम चल रहा है, नॉन पोलर यानी जिसमें कोई पोल ना हो, कोई डाइपोल ना हो. तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट ऑन नॉन पोलर, जिसमें डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है जीरो. किस तरीके से, कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं इसके भी. जैसे कि हमने CO2 लिया, CO2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर, एंड सेंटर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव का सेंटर भी यहीं आएगा, ओवरलैप कर रहा है इसको. तो देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर ओवरलैप या कॉन्साइड विद ईच अदर, देन डाइपोल विल बी जीरो. क्योंकि डाइपोल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, क्यू इंटू टू ए, यहाँ डिस्टेंस ही जीरो हो गया, डिस्टेंस ही नहीं है दोनों चार्ज के बीच में, दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो डाइपोल भी कितना आएगा जीरो. इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एन टू ओ टू सी, ठीक है, और सी ओ टू हो गया, और भी आप केमिस्ट्री में से आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. तो ये तो बात हुई कॉमन डेफिनेशंस की, कि डाइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर. नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि अगर हम डाई इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या अफेक्ट पड़ेगा इनके ऊपर, इनकी कंडीशंस चेंज होगी या वैसी की वैसी ही रहेगी. तो देखिए, when a non-polar dielectric are placed in electric field, तो क्या होगा. ठीक है, पहला केस हमारा ये है, इसको आप समझिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो प्लेट ली है एंड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने इनको गिवन करवाया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे डी है. तो आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या नाम दिया, ई नॉट. ई नॉट का मतलब होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप ई ओ ओरिजिनल मान सकते हो,
दैट इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करना है कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे ना हमारे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं जिसका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही सेंटर के ऊपर कॉन्साइड कर देते हैं, जब इनको उठा के मैं इसके बीच में रखूंगा तो इनके ऊपर क्या होगा? तो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए बच्चों कि हमने क्या किया था कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही काम होता है, फोर्स एग्जर्ट करना चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और किस तरीके से फोर्स एग्जर्ट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फिर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी, किस तरफ? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज को ये लेके जाएगी। अभी और ज्यादा डिस्कस हम आगे की तरफ करेंगे तो आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है ना, दैट इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और पॉजिटिव चार्ज को वो अपने साथ लेके जाएगी। तो वही काम इनके साथ हो रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कॉन्साइड विद ईच अदर। जैसे ही मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे जा रही है तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अलग होके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन बनेगा एंड दैट मेक ए डाइपोल, और वो क्या कर देंगे, डाइपोल बना देंगे। क्लियर हो रहा है? तो जैसे मैं इस मॉलिक्यूल को इसमें रखूंगा तो इनकी शेप किस तरीके की आ जाएगी, लाइक दिस। इनमें जो पॉजिटिव है वो किधर चला जाएगा, दो तरीके से आप समझ सकते हो, या कि अभी अभी जो मैंने समझाया उस तरीके से समझ सकते हो, या देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इधर क्या आएगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा दूसरी तरफ, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। अब ध्यान दीजिए कि क्या अफेक्ट पड़ा, तो सिंपल सी बात नजर आ रही है कि जब मैंने नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया तो जो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक थे वो पोलराइज हो गए, वो खुद एक पोलर डायलेक्ट्रिक्स की तरह से बिहेव करने लग गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा यही हुआ कि जब भी नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है दे बिकम पोलर डायलेक्ट्रिक्स, सिंपल। ये तो था पहला इफेक्ट आपका। अब जो खुद ऑलरेडी पोलर है अगर उनको मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैंने पोलर डायलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो रहा है बच्चों, देखना मैंने क्या बताया था, ऐसे रैंडमली डायरेक्शंस में ये रखे हुए होते हैं जितने भी पोलर डायलेक्ट्रिक्स होते हैं, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन कब तक नहीं होती, जब तक कि इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही हो। लेकिन जैसे ही मैंने इन सबको उठा के यहाँ पे रखा इस फील्ड में तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस है, ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहेगा और ये दिस बिकम दिस, ठीक है, ये अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे के सारे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा मैं तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी। और किस तरीके की डायरेक्शन आ रही है, सेम आपको मालूम है, पॉजिटिव चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और ड्यू टू इंडक्शन ये इस तरीके का सेपरेशन। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही इजी है ये, कि जब नॉन पोलर को रखा तो वो भी पोलर बन गया और ऑलरेडी जो पहले से ही पोलर थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके क्या करने लग गए, कुछ नहीं, उनकी जो डायरेक्शन थी ना वो रेंडमली ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपकी समझ में आ गई, किस तरफ पॉजिटिव आएगा किस तरफ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप ये कहता है
तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा इन डाइइलेक्ट्रिक्स का, ये दुश्मन है या दोस्त है, कैसे पता लगाएंगे, तो वो हम स्टडी अब करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्लीज ध्यान से देखना, ये तीसरा स्टेप और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा तो फोर्स लगेगी, फोर्स क्या करेगी, पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएगी और नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन तो है हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से आ रही है। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे ही मैंने डाइइलेक्ट्रिक्स को यहाँ पे रखा तो क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ एक्वायर कर लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ एक्वायर कर लेते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई जाती है फिजिक्स के अंदर कि जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड चार्ज ऑन सरफेस ऑफ, कि जो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, जैसे ही मैं डाइइलेक्ट्रिक्स रखता हूं तो डाइइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, इनके सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस करने लग जाते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, अब जरा देखिए कि मान लीजिए कि ये दो प्लेट थी हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये रहा, नेगेटिव ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाई हो रही है एक, और जो हम स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जैसे ही मैंने डाइइलेक्ट्रिक रखा तो डाइइलेक्ट्रिक रखते ही क्या हो जाता है कि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव। अभी भी मैंने बताया उस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को अपने साथ लेके जाएगी और नेगेटिव को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इधर हो रही थी, इन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव को तो अपनी तरफ ले गई, इधर ले गई, और नेगेटिव को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में एक्वायर करवा दिया। तो डाइइलेक्ट्रिक की ये जो प्रॉपर्टी है कि ये सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस करता है, चार्ज इंड्यूस कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए जरा कि यहाँ पे मान लीजिए 10 चार्ज है, 10 माइनस 10, और अंदर कितने चार्ज आ गए डाइइलेक्ट्रिक की वजह से, 4 चार्जेस, तो नेट चार्ज कितना आया, माइनस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6, डिक्रीज हो गए। ठीक है, चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई, चार्ज की डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, चार्ज कम हो गए। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए 10 चार्ज थे, अंदर 4 माइनस है, बाहर 10 प्लस हैं, तो कितने बचे, 6 बचे, वहाँ भी चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी डाइइलेक्ट्रिक के आ जाने से चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक बात और कि डाइइलेक्ट्रिक ने सरफेस चार्ज, जितने भी चार्ज थे डाइइलेक्ट्रिक के, उनको सरफेस पे इंड्यूस कर दिया, तो क्या ये बीच के चार्जेस को भी इंड्यूस करता है बीच में। तो देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट। तो याद रखना, जो बीच वाला एरिया होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है, वहां पर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होते। चार्ज कहाँ पे इंड्यूस होंगे, ऑन द सरफेस। ये हमेशा याद रखना कि एक प्लेट है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इनके बीच में जैसे ही मैं डाइइलेक्ट्रिक डालता हूँ तो डाइइलेक्ट्रिक क्या करता है कि इस प्लेट के अंदर की तरफ सरफेस पे अपोजिट चार्ज डाल देते हैं, इंड्यूस कर देता है, ये उसकी प्रॉपर्टी। और इंड्यूस कैसे करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो उस तरीके से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, डाइइलेक्ट्रिक को जैसे ही डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को अपनी तरफ लेके जाएगी, नेगेटिव को अपने से दूर लेके जाएगी, तो पॉजिटिव इस तरफ आ गई और नेगेटिव इस तरफ आ गई। तो अब ध्यान दीजिए कि डाइइलेक्ट्रिक की वजह से जो चार्ज आए हैं यहाँ पे, उनकी वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है यहाँ पे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
पोलराइजेशन, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन मेथड, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई डाइलेक्ट्रिक ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ रहा है यहाँ पे? चार्ज डेंसिटी तो डिक्रीज हो रही है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है राइट साइड, और यहां इन चार चार्ज ने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बच्चों? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साफ तौर पे मालूम चल रहा है यहाँ पे कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में से डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है उसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट कम ही आएगा ओरिजिनल से। तो याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक तो एक दुश्मन की तरह काम करेगा यहाँ पे। जैसे ही प्लेट के बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखूंगा या बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखूंगा, तो क्या होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसकी पावर, उसकी क्षमता को कम कर देता है डाइलेक्ट्रिक। अब जरा एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको कि डाइलेक्ट्रिक जो है ना, पूरे प्लेट की अंदर जितनी भी वॉल्यूम थी ना, उस पूरी वॉल्यूम में हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, लेकिन चार्ज कहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ? सरफेस के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली जाती है कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन द वॉल्यूम, कि डाइलेक्ट्रिक को डाला तो गया है पूरी वॉल्यूम में, पूरी की पूरी प्लेट के बीच में, बट इट इंड्यूस्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट चार्ज कहाँ पे इसने इंड्यूस किए हैं? सरफेस के ऊपर। बीच में जितने भी चार्ज थे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो बन जाते। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये इसका एक गुण है डाइलेक्ट्रिक का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी दोनों ही डिक्रीज हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है डाइलेक्ट्रिक का, कि डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है और किस तरीके से चार्ज डेंसिटी को भी डिक्रीज कर देता है। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही करवाऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक, उसके दो टाइप किस तरीके से बने, वो टाइप दोनों जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है, और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये तीन स्टेप आपको करने हैं यहाँ पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, फिर से आपको करवाया जाएगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।